नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजूम और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं पांच की आंच और आज सबसे पहले पांच की आंच में बात करेंगे एक चमत्कार की, जिसने एक शख्स को दी है नई जिंदगी। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको। उधर एमपी से हरियाणा तक नकल की तस्वीरें सामने आई है। एक युवक ने नाबालिग के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब चोरों ने फुटपाथ पर लगी दुकानों कुर्सियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बात सेना के जटायु की भी करेंगे जो समंदर में आंख और कान का काम करेगा। तो धरती पर डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। दिल्ली के एक अस्पताल में डॉक्टर्स ने चमत्कार करके दिखाया है। 12 घंटे की सर्जरी के बाद एक शख्स को नई जिंदगी मिल गई जो जिंदगी से ना उम्मीद था। लेकिन ये पूरी खबर बताएं उससे पहले आपको सीधे लिए चल रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम। आबादी का प्रिय क्षेत्र बिल्कुल लगा हुआ है और समूचे भारत भूमि से यशस्वी प्रधानमंत्री का जो प्रेम है, एक बार मेरे साथ सभी जोर से बोलिए भारत माता की। आवाज में कंपटीशन करते कौन जोर से बोलता है भारत माता की। और अभी अयोध्या में भगवान राम मुस्कुराए तो उनको जय जयकार करे बिना मजा नहीं आएगा। मेरे साथ सभी प्रेम से बोले जय जय सियाराम, जय जय सियाराम, हर हर, हर हर। कल शिवरात्रि है और हम आज से आनंद में डूबे में। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं पर्याप्त समय दूं, लेकिन भगवान राम की तपस्थली चित्रकूट वाले भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। हमने कहा हमको सिंगरौली जाना है और यहाँ के बाद तुरंत इंदौर निकलना है। इंदौर से रात को उज्जैन में भी कार्यक्रम है, लेकिन आप सबका प्रेम पाकर धन्य हूँ। इतना प्रेम लुटाया, आप सबका आभार मानता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। अपने अपने कारण से परमात्मा के विशेष आशीर्वाद से यहाँ कई जन्मों के पुण्य के बाद सिंगरौली और उस जिले के लिए ऐसा लगता है परमात्मा ने कोई विशेष भाग्य लिखा आपका। एक तरफ देखो बगल में बाबा विश्वनाथ का धाम दिखाई देता है, इधर ऊपर जाओ तो भगवान श्री राम की 11.5 साल की उनकी तपोस्थली चित्रकूट का परमात्मा की दया से वो 17 लाख साल पुराना इतिहास हम सबको रोमांचित कर देता है। और भगवान राम का तो नाम ही पर्याप्त है। भगवान राम का नाम लेकर के आखिरी समय में तो परमात्मा ने ऐसा कहा कि एक बार नाम ले लो तो अपने आप मोक्ष हो जाता है। इसलिए हमारा उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम, पूरे देश के अंदर भगवान राम के नाम पर कितने प्रकार के अलग अलग तरह से अपने बच्चों के नाम, परिवार वालों के नाम माता पिता रख देते हैं। क्योंकि अपने बच्चे का नाम बुलाते बुलाते भी अगर नाम परमात्मा का मुंह पे आ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उसका अपने आप मोक्ष हो जाए। इतने सौभाग्यशाली हमें, लेकिन ऐसे समय में भी चूंकि ये आज हमारी बहुत सारी सौगातों का दिन है, इसकी बात मैं करूंगा लेकिन ये सांस्कृतिक बात भी जरूर करूंगा। आज ही अभी आते ही लगभग 300 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्यों का यही लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। पूरे जिले के विकास कार्य आपको मिले हैं, यह हमारा सबका सौभाग्य है। जोरदार अभिनंदन करो अलग अलग प्रकार के विकास के कामों का, जिन कामों की जरूरत है हमारी सरकार उन कामों को सबसे पहले कर रही है। जिस दिन से सरकार बनी है और यह हमारा सौभाग्य है, इधर सरकार बनी दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी खुद भोपाल में आकर के प्रचंड बहुमत के आधार पर बनने वाली सरकार को आशीर्वाद दे के गए। ये मध्य प्रदेश वालों का सौभाग्य है। ये हमारे लिए वर्तमान के दौर में मोदी जी के युग में उनकी भाषा में डबल इंजन की सरकार, जो काम करने में आप असंभव लगते थे
आप बात सुनो या देखो तो अंग्रेजों के जमाने की जो जो व्यवस्थाएं थी माननीय मोदी ने लाइन से गायब करते गए। ये हमारे आदिवासी अंचल का क्षेत्र टेकाम जी से लगा करके दो दो मंत्रियां बैठी है, हमारी राधा रानी जी, जोरदार तालियां बजाओ राधा रानी जी के लिए, आपकी मंत्री है यहाँ की। अगर भाजपा की सरकार है तो राधा रानी जी मंत्री है, कोई और सरकार में नंबर ही नहीं आता। माननीय प्रतिमा बागरी जी, जोरदार तालियां बजाओ, हमारी अपनी बेटी और सतना की लोकप्रिय विधायक हमारी प्रतिमा बागरी जी सबसे तरुण मंत्री है हमारी अपने मंत्रिमंडल की। इस अवसर पर कांत देव सिंह, जोरदार अभिनंदन करो कांत देव सिंह जी का, भाजपा के वरिष्ठ नेता है, इस मंच पर ही विराजमान हमारे अपने विधायक गण। समय की कमी है तो समूचे मंच को नमस्कार कर देता हूं, जोरदार तालियां बजा दो पूरे मंच के लिए। और आपके सबके भरोसे आपने इस लोकसभा में अपनी तरफ से नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए एक व्यक्ति आपके बीच में दिया है, जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के वर्षों से काम करता रहा, ऐसे पंडित राजेश मिश्रा जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जोरदार ताली बजाओ राजेश मिश्रा जी के लिए। मिश्रा जी, ये जो तालियां बज रही है, ये जो समर्थन मिल रहा है, ये समर्थन बताता है कि नरेंद्र मोदी पे हमारे सिंगरौली वालों का कितना विश्वास है, ये एहसास कराता है। और इन्हीं विश्वास के भरोसे दुनिया में जो हमारे मित्र हैं, जिनसे हमारा प्रेम है, वो तो स्नेह पाते हैं, प्रेम पाते हैं, क्योंकि मोदी जी दिलदार हैं, तो इतने बड़े दिलदार के पूरे भारत को अपना परिवार मानते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है। मैं धन्य हूं, आप धन्य हैं, देश धन्य है, 142 करोड़ की आबादी धन्य है कि हमारा प्रधानमंत्री इस प्रकार का प्रधानमंत्री मिला है, जिसके पिताजी कोई नेतागिरी में नहीं है, कोई विधायक सांसद नहीं है, लेकिन अपने बलबूते पर पूरा जीवन जनता की सेवा के लिए होम करके आज इस उम्र 3 बार तो मुख्यमंत्री गुजरात के और 2 बार प्रधानमंत्री बने, तो लोकतंत्र के इस नए प्रकार के आयाम में भारतीय संस्कृति की ध्वजा लहरा लहरा करके दुनिया को बता रहे हैं कि इस देश के भरतवंशी कोई सा काम वो नहीं कर सकते, हर काम को करने में सक्षम है और स्वाभिमान से जीने में भी सक्षम है। और एड़ा टेढ़ा कोई करे पाकिस्तान जैसा, तो घर में घुस के मारने में भी सक्षम है, दुनिया की कोई ताकत उनको दबा नहीं सकती है। और एक एक बार नहीं, दो दो बार, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, और भूले भटके हमारे भारतीय सैनिक जाके मारने जाए और मार के आने में भी एक हवाई जहाज से सैनिक अपना टपक जा, अभिनंदन मूछ वाला याद करो आप, वो मूछ वाला हमारा अभिनंदन बम गिराने का दुश्मनों पे, लेकिन धाक ऐसी के उस गिरे हुए व्यक्ति सैनिक को भी कहा पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने कहा हमने आपका सैनिक पकड़ लिया है, अब तब छोड़ेंगे जब हमसे बात करोगे, तब छोड़ेंगे जब आपको हमसे जवाब देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी नाम है इनका, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, उनने कहा शाम तक नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान मिटा देंगे, औकात में रहो अपनी औकात में। ये अधिकार, ये मन का जज्बा और ये देशभक्ति होती है। और अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन दे करके जो आनंद हमने लिया है, अब अयोध्या तो है ही,
कहां है मक्का मदीना, कहां है अरब, वहां अवध से अरब तक प्रभु राम के मंदिर की ध्वजा लहरा रही है। यह हमारा सौभाग्य है, यह हमारा भाग्य है। आज के इस अवसर पर हमारी सरकार भी जब से बनी है हमने निर्णय किया है, एक तरफ ये लोग जो लोग नरेंद्र मोदी जी के बारे में गलत बोलते हैं, राम मंदिर का निर्माण का निमंत्रण दो इनको तो निमंत्रण ठुकराते हैं। मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन आप सबको स्मरण रखना पड़ेगा, काल के प्रवाह में 500 साल का संघर्ष हो गया है समाज को लड़ते लड़ते। आप सबसे निवेदन है, और सिंगरौली के लोग तो श्रृंग ऋषि की संतानें हैं, आपको ये बात का एहसास है कि हमारी संस्कृति पे जो उंगली उठाए, भगवान राम के जन्म स्थान पे जो उंगली उठाए, मंदिर निर्माण में जो अड़ंगे लगाए, भगवान राम के पैदा होने का प्रमाण मांगे, ऐसी अभागी कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अगर मंदिर बन गया, हमने सारे उनके पाप मान करके और कहा कि भैया अब निर्माण कार्य हो गया, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आओ हम और आप मिलकर के भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाएं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा 142 करोड़ के लोगों को भी अपमानित होना पड़ा। कांग्रेस के लोगों ने कहा हमको नहीं आना, हम नहीं आएंगे, आपका निमंत्रण ठुकराते। भैया बहुत अच्छी बात है, आप बहुत बड़े बाप बेटे हो के बहुत बड़े खानदान के लोग हैं, आपके परिवार में बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री रहे, लेकिन आपको इतनी समझ नहीं है कि ये देश राम के आधार पर चलता है, ये देश कृष्ण के आधार पर चलता है, ये महादेव की हर हर महादेव की जयकार लगाता है। आपने ठुकराया है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, जनता भी आपको माफ नहीं करेगी। भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले अपनी उंगली पे सुदर्शन चक्र धारण किया था, और कौरव पांडव के उस महासमर में भगवान ने बताया था कि धर्म मार्ग पे चलने की ताकत क्या होती है। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया लोकतंत्र में, हमारी उंगली में वो ताकत भगवान कृष्ण की ताकत है। जिनने निमंत्रण ठुकराया हमारी उंगली दबेगी, ये सारे के सारे हमारे धर्म विरोधियों के ठिकाने लगेंगे। बोलो लगेंगे कि नहीं लगेंगे? नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? आवाज इधर से आना चाहिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज परमात्मा की कृपा से सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है, भगवान महाकाल की नगरी से आता हूं, क्या महाकाल का महालोक बना है? बोलो जय जय श्री महाकाल। हमारी संस्कृति पे सरकार बनती है, हम किसी को अपमानित करना नहीं जानते हैं, लेकिन कोई हमारा अपमान करे तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ऐसे सारे मामलों के लिए अब समय कम है, आने वाले समय में मध्य प्रदेश को देश का नंबर वन राज्य बनाने के लिए और देश को दुनिया का नंबर वन देश बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आओ और हम और आप सब मिले, मन में संकल्प करें, किसी भी हालत में विकास के मामले में हम कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। आज मुझे यहाँ आने पे कुछ बातें बताई है, कहा गया है कि यहाँ पे आने जाने के लिए रेल तो है, बस के साथ सड़क के मार्ग भी अच्छे हो रहे हैं, लेकिन हवाई अड्डा बनाना है तो मैं हवाई अड्डा बनाने की घोषणा करूं कि नहीं करूं? तो ताली वाली बजा के बताओ सिंगरौली हवाई पट्टी को आने जाने के लिए एयरपोर्ट बनाने के लिए हमारी सरकार काम करेगी, जोरदार तालियां बजाओ। और केवल हवाई अड्डा नहीं बनाएंगे, गरीब से गरीब आदमी के भी जीवन में अगर हॉस्पिटल जाना पड़े
और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि यहाँ इसको और बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ। अब गरीब आदमी ले जाने का साधन नहीं है, वो जाएगा कैसे? तो हमारी सरकार ने तय किया है अब एयर एम्बुलेंस के माध्यम से गरीब आदमी को भी ये सौगात दी जाएगी कि वो अपने जान बचाने के लिए चिकित्सालय का लाभ ले सके। ये सरकार संवेदनशील सरकार है, ये सरकार सबकी इज्जत करने वाली सरकार है, ये सरकार माता बहनों की इज्जत करने वाली सरकार है। अपने इसी जिले में एक फोटो छपा था, एक साहब बीमार हो गए, उनको चोट लगी, बड़े अफसर थे, मैं मना नहीं करता हूं, मैं अपमान नहीं करता हूं किसी का, लेकिन कोई माता बहने किसी बड़े साहब के जूते के बंद बांधे, ये मेरी सरकार में संभव नहीं है। जो माता बहनों की इज्जत हमारे यहां तो देवी दुर्गा के समान माना गया है, राम जी के पहले भी सीताराम, कृष्ण जी के पहले भी राधा कृष्ण, हम तो उस संस्कृति के लोग हैं, हम किसका अपमान करेंगे? हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन अपने सम्मान के साथ भी कोई समझौता नहीं करेंगे। एक नहीं अनेक उदाहरण है। अभी कल ही हमने निर्णय किया है कि गौ माताओं के लिए ये जो गौशाला है अपनी अधूरी बनी हुई है, प्रत्येक गौशालाओं को पूरी कराएंगे। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जहां है, वो गौ माताओं को ऐसे मरने छोड़ दे, कभी संभव नहीं है। अब 20 रुपया प्रति गाय माता के बजाय डबल करते हुए 40 रुपया प्रति गाय माता का अनुदान हमारी सरकार देने वाली है। विकास के मामले में, किसी के भी जीवन में एक नहीं अनेकानेक जितनी योजना है, पुरानी सरकार की, श्रीमान शिवराज सिंह चौहान की सारी योजनाएं बराबर चालू रहेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी, सभी योजना जारी रहेगी। बोलने के लिए तो इतना है कि समय कम पड़ जाएगा। अभी मेरे पास एक स्टेडियम बनाने की घोषणा का पत्र आया है, चिंता मत करो, राजेश मिश्रा जी को जिताओ, आने वाले समय में स्टेडियम भी बन के मिलेगा। उपभोक्ता फोरम की बात भी कही है, उपभोक्ता फोरम बनाने में यद्यपि समय लगता है, मैं परीक्षण कराऊंगा और सिंगरौली को उपभोक्ता फोरम भी देने का हम घोषणा करते हैं। आपने कहा चाचर से जरहा, अरे बहुत सारे निर्माण कार्य लिखे हैं, आपने जो लिखे दिए वो सब करने की घोषणा करता हूं, कोई भी काम बाकी नहीं रखेंगे। ये एक और विधायक जी ने भी कुछ लिख के दिए थे, सामुदायिक केंद्र देवसर सिंगरौली नगर पंचायत, देवसर सिंगरौली में पूर्णकालिक अपर कलेक्टर कार्यालय एडीएम लेवल का, आप जो जो मांगोगे आपने दिल खोल के दिया विधानसभा में, आप मोदी जी के साथ चलो, सारे के सारे काम किए जाएंगे। अगर मेरी बात से सहमत हो सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और बांधो मुट्ठी अपनी और संकल्प करो, हम और आप मिलकर के आने वाले समय में सारे के सारे भाई बहन मिलकर के एक एक वोट, धारा 370 रही कश्मीर में, एक एक बूथ पर हम धारा 370 की तरह नए वोट लेकर के प्रत्येक बूथ पे 370 वोट बढ़ाएंगे। बोलो तैयार हो? इधर से आवाज नहीं, बोलो तैयार हो? तो आप बांधो मुट्ठी और बोलो मेरे साथ, भारत माता की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की, महाकाल महाराज की। अगली बार फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, और इस